बच्चों देखो, आप इन आकारों में कुछ अंतर कर सकते हैं। ये गोलाकार वस्तु है और ये हमारी एक आयत है। जब हम इसको, ये देखो ये बॉक्स है हमारा, इसको जब हम इसके ऊपर रखकर ऐसे आकृति बनाते हैं तो हमारे पास कोई आकृति बनती है। चलिए आज हम इसी प्रकार की कुछ आकृतियों के बारे में बात करते हैं। देखो ये क्या है मेरे पास, इसकी तीन भुजाएं हैं, 1 2 3। इस आकृति का हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? त्रिभुज। ये देखो यार, त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं से बंद आकृति हमारी त्रिभुज होगी। यहाँ से लगो, ये शुरू करो, ये शुरू, यहाँ पे आके ऐसे खत्म करो। फ्री हैंड से आप बना सकते हैं इस प्रकार से, कई किसी तरीके से बनाओ आप। ये देखो ये क्या बनेगी हमारी, इसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है इस आकृति का? त्रिभुज। और इंग्लिश में इसको ट्राई एंगल कहते हैं। ट्राई एंगल यानी थ्री एंगल्स, तीन जिसके अंदर भुजाएं हैं, तीन एंगल। अगर हमारे पास इस प्रकार की चार भुजाएं हो, जैसे देखो ये आपके पास ये रही, ये आकृति देखिए, इसमें क्या है, ये एक विशेष आकृति है। यहाँ शुरू हुई, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, और ये यहाँ चलते चलते यहाँ पे वापिस आ गए। सारी भुजाएं बराबर है, ये और ये चारों बराबर। जैसे कि देखो मेरे पास दिखाई दे रहा लाल कलर में, ये चारों क्या है आपस में, इसमें बराबर है। इस आकृति का नाम हमारा वर्ग है। क्या कहते हैं इस चार भुजाओं वाली आकृति को? वर्ग। इंग्लिश में स्केयर कहते हैं, SQUAR। ये देखो, और मेरे पास एक ये आकृति है, इसमें देखो ध्यान से देखो, तुम कुछ दिखाई देता तुम्हें, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। जैसे कि मैंने बोर्ड पर बनाया हुआ है, इस आकृति का नाम आयत है। क्या कहते हैं इस आकृति को हम? आयत। और इसको वर्ग कहते हैं। इसमें अंतर देखो ध्यान से बच्चों, इन दोनों आकृति में अंतर समझो। इसमें चारों बराबर है, 1 2 3 4, ये चारों चार भुजाओं से आकृति है, और ये आयत है, ये वर्ग है। इसको ध्यान से देखो, इसमें चार ही भुजा, इसमें भी है, इसमें भी है, परंतु इसमें ये भुजा और ये भुजा अलग अलग है। इसमें देखो चारों, ये चारों बराबर है, यही अंतर है आयत में और वर्ण। अच्छा गोल गोल आकृति क्या कहते हैं? ये देखो ये गोल गोल आकृति आपकी, या फिर ये देखो ये, इस आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ये बंद आकृति है, खुली नहीं है, बंद, इसको हम वृत्त कहते हैं। तो आपकी कक्षा में मुख्य रूप से आपके पास ये चार ही आकृतियाँ आती हैं, ये आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। आपने इनका बनाने की अभ्यास करनी है। इसके अलावा कुछ और आकृतियां भी आती हैं। देखिए बच्चों, ये मेरे पास एक बॉक्स है, क्या है, एक डिब्बा। तो बच्चों ये किस आकार का है? जैसे आपकी किताब है, इसका आकार क्या है? इसके नीचे तो आयत है, इधर से तो आयत आकार है, और ये बॉक्स, ये किताब, ये इनको घनाभ कहते हैं। क्या नाम इनका हमारा? घनाभ। घ न भ। और एक दूसरी आकृति जो वृत्त, जो वर्ग के ऊपर बनी हुई है, देखो ये इसके, ये देखो इस तरह से, इसमें ये सारे बराबर है मुझे। इसका नाम है घन। क्यों कहते हैं इसमें से? ये क्यूबॉइड है। और एक इस प्रकार से आकृति होती है, जैसे आपकी मम्मी रोटियां बनाती है बेलन जैसी, जो ऊपर से भी गोलाकार है और नीचे से भी गोलाकार। जैसे बेलन है मेरे हाथ में, देखिए ये नीचे से, ऊपर से भी गोलाकार, नीचे से भी गोलाकार, दोनों तरफ से गोलाकार, वृत्त के आकार का है, ऊपर भी वृत्त, नीचे भी वृत्त। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेलन। इस आकृति का नाम है बेलनाकार, यानी कि सिलेंडर। ये देखो बच्चों, एक टोपी, जादू की टोपी, जादू की टोपी देखी होगी, इसके सिर पे आप बर्थडे कैप है डालते हैं, इधर कोना बना हुआ है, नीचे सर्कल है, इसको हम शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शंकु, कोण है। इस प्रकार के आपके गणित में जो ये मुख्य आकृतियां आती हैं, इनको आपने करना है।